यहाँ हमारे गांव में पिछले दो दिनों से जबकि हमारा बड़ा दिन था बैसाखी का, तो इन्होंने यहाँ जो 10 मिनट बात करो फोन कर मीडिया वाले लोग हैं कुछ, वो आप फितना परवर कहिए साक्षी कहिए, यहाँ 6 सिख घरानों की छोरियाँ हूँ। तो जो हम प्रज्यूम कर रहे हैं इसमें, वो हमें लगता है दरअसल ये सिखों और मुसलमानों को आपस में लड़ाने की एक साजिश है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है चोरों ने, ये सिर्फ सिख घरों में घुस गए हैं, वहां से ही इन्होंने डाके वगैरह मारे हैं, जो कुछ सोना लिया है या कैश लिया है। तो अब कुदरती तौर हमने हकामे बाला से डी सी साहब से भी बात की, हमने SHO साहब अभी आए थे उनसे भी बात की, सब एडमिनिस्ट्रेशन से जो डिस्ट्रिक्ट की थी उनसे बात की है, मैंने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर से भी बात की है। तो हमने हमारे एक ही डिमांड है कि कम से कम ये जो सिलसिला हो रहा है ये एक चिंगारी घास में डाली गई है और कहीं सारा खिरमन ही ना जल जाए इस घास में चिंगारी से, ये चिंगारी पड़ी ही है और सारा खिरमन जो है वो जल ना जाए। हमने हर वक्त गवर्नमेंट का साथ दिया है, अपने मुसलमान भाइयों का साथ दिया है, मुसलमान भाइयों ने भी हमारा साथ दिया है, लेकिन इस वक्त भी वो हमारे शानबाश जान तैयार हैं और वो भी परेशान हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, सिख घर ही क्यों इसमें शिकार हो रहे हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है आप आए हो इसको हाई लेवल पर आप ले जाओ और ताकि आगे के लिए इस किस्म की कोई ऐसी हरकत